अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आई हूँ। आज हमने सीखना है डेटा टाइप। पहले यहाँ पे स्क्रीन पर आए और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स है उसका जो कोर्स आउटलाइन है मैं ये ओपन कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स के अंदर हमने ये सारे ऑपरेटर जो है पढ़ लिए थे और अब है डेटा टाइप। ठीक है, मैं यहाँ पे फिलहाल विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ और फिर आपको बता रहा हूँ कि ये सब क्या है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ डेटा टाइप इन js.html। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव और यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। पहले आप समझ लें कि डेटा टाइप है क्या। प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप या सिंपली डेटा टाइप ये एक एट्रीब्यूट है जो कंपाइलर को ये बता रहा है कि प्रोग्रामर जो है डेटा कैसा यूज़ करेगा, किस तरह वो डेटा यूज़ करेगा, कर सकेगा। ठीक है, ये बताता है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है डेटा टाइप के, उसमें से इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, बोलिन है या लॉजिकल बोलिन, दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर से। ठीक है, और एक नल है और स्ट्रिंग है हमारे पास। तो आइए यहाँ पे इसको देख लेते हैं इन डेटा टाइप्स को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देख लेते हैं इंटीजर को। इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हमारे पास होते हैं 0 से लेकर 9 तक डिजिट। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज और इसको मैं असाइन कर रहा हूँ 23 और यहाँ पे इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ योर, जस्ट एग्जाम्पल के लिए योर एज इज प्लस एज और यहाँ पे टर्मिनेटर इसको कर लेता हूँ मैं सेव। ठीक हो गया, और इसके अंदर अगर आपने न्यू लाइन में आना है ताकि इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका आए और वो न्यू लाइन में हो तो आपने यहाँ पे br जो html का br है, ब्रेक है, टैग है, आपने वो यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यह टर्मिनेटर और यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि ये कैसा, ठीक है, ये वर्क कर रहा है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट, इसमें हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वो डिजिट जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, जिस तरह 12.5 या डॉट पॉइंट, इसी तरह या एक्सपोनेंशियल हमारे पास हो के इसमें अगर आपके पास 2e, इस तरह अगर आपका एक्सपोनेंशियल कुछ टाइप है तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज इज इक्वल टू 75.6। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट सॉरी और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ योर परसेंटेज इज और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज और यहाँ पे टर्मिनेटर इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो यहाँ पे देखिए इसमें डेसिमल पॉइंट है, तो ये आपका जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है आपका। ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर के अंदर एक होता है कि 0 से लेके 9 तक हो नंबर्स होते हैं। ठीक है, और एक आपके पास इसमें 10 से लेके 15 तक आपके पास जब नंबर होते हैं तो वो यहाँ प्रोग्रामिंग में आपने रिप्रेजेंट करना है विद ABCDEF। ठीक हो गया, अगर उसी तरह अगर आपको सामने कुछ वैल्यू देना है, जिस तरह आपका जो मेक एड्रेस होता है वो भी इस तरह हेक्साडेसिमल नंबर से बना हुआ होता है। ठीक है, तो उसको हेक्साडेसिमल नंबर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अगर लिखूँ यहाँ कमेंट के अंदर कि अगर आपके पास यहाँ पर मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पे
चलो नहीं, यहाँ स्क्रिप्ट में कमेंट में लिखता हूँ कि हेक्साडेसिमल डेसिमल जो नंबर होते हैं वो इस तरह होते हैं। अगर आपने यहाँ से लेके 0 to 9, ये आपका इंटीजर हो गया। अब 10 से आप 10 to 15, ये आप रिप्रेजेंट करोगे रिप्रेजेंट विद ए टू एफ। और इससे अगर आपका एक्सपोनेंशियल आपको कुछ वैल्यू मिलता है जिस तरह 2e4 इस तरह, या आपको मिलता है कि 5e इस तरह, अगर आपको कुछ मिलता है ठीक है, तो वो आप इस तरह लिख सकते हैं ठीक है। इंटीजर, ये इंटीजर में आता है। इसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकल आर बोलियन। ये इसमें इंक्लूड है कि या फाल्स या ट्रू, 0 और 1, ये आपको इसमें आपका जो आउटपुट है, जो आपका रिजल्ट, जो आपका आंसर आता है, वो या फाल्स होगा या ट्रू होगा। ठीक हो गया, तो ये आपका वहाँ पे आपको ये जो है आंसर देता है, आउटपुट आपको दे रहा है। मिसाल के तौर पे आपने इवन आड नंबर पॉइंट करना है, तो वहाँ पे आपको ये दे रहा है कि हाँ ये इवन है या आड है। या आपका जो मिसाल के तौर पे आपको एक कंडीशन लगा हुआ है, अगर आपका परसेंटेज इतना है या आपका मार्क्स सब्जेक्ट का इतना है, तो आप फेल है या पास है ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिजल्ट, इसको मैं असाइन कर रहा हूँ ट्रू, ठीक हो गया। और यहाँ पे टर्मिनेट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ ट्रू। मिसाल के अगर ये ट्रू कंडीशन ट्रू है, तो आप यहाँ पे आए और यहाँ पे मुझे एक मैसेज दे डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टर्मिनेटर, इसको कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे है आ रहा है, और यहाँ पे जो मैं ये है ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो ये नीचे नए लाइन में आ गया ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको पास करूँ, इसको मैं सेव करूँ, तो ये मुझे फिर भी हाई सॉरी यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट देखूँ, तो ये मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसको मैं लिखूँ ट्रू, यहाँ पे देगी। अगर ट्रू हो गया तो ये आप मुझे ये दे दें, अगर फॉल्स है तो कुछ नहीं। इसके अलावा आप यहाँ पे एल्स लगा दें, तो एल्स के अंदर आप ये लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फेल, या ट्राई अगेन, और यहाँ पे टर्मिनेटर, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखे इल्स, यहाँ पे आप पास है, तो रिजल्ट के तौर पे यहाँ पे ये नीचे ट्रू में नहीं आया, और इल्स में यहाँ पे आया, और ये मुझे कहना है कि आप फिर से ट्राई करें ठीक है। तो ये हो गया आपका बोलियन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ इसके नीचे लिख रहा हूँ, ताकि जो मैं नया स्टेटमेंट लिखूँ वो नीचे लाइन में आ जाए ठीक है। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग आपके पास सारा वो चीज़ स्ट्रिंग है जो आपका डेटा है, जो आपका कंटेंट है, अगर वो कोटेशन के अंदर है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप मैं लिखूँ कि ये जो कोटेशन है इसके अंदर मैं ऐसा कुछ लिखूँ, तो ये आपका स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर आप यूज़ करते हैं 0 से लेकर 9 तक डिजिट, आप ऐसे लेके जेड तक आप अल्फाबेट यूज़ कर सकते हैं, चाहे अपर केस में हो या लोअर केस में हो। मिसाल के तौर पर ए, या इस तरह, या 1-1, या इस तरह, और या आप इसमें स्पेशल करेक्टर होते वो भी आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है। तो ये है आपका स्पेशल करेक्टर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे कोटेशन के अंदर मैं लिख रहा हूँ जीशान 12, जस्ट इस तरह मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ। और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट, सॉरी ये पता नहीं क्या हो गया आज, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिखूँ योर नेम इज, इसको मैं यहाँ पे लिखूँ, और यहाँ पे मैं प्लस डालूँ, और यहाँ पे लिखूँ नेम, और यहाँ पे लास्ट में टर्मिनेट, इसको मैं करूँ सेम। सॉरी यहाँ पे मैंने इसको अपर केस में लिखा था ठीक है।
तो यहाँ पे देखें यूवर नेम इज दिशान 123। तो स्ट्रिंग में आप जो है अल्फाबेट यूज़ कर सकते हैं, डिजिट यूज़ कर सकते हैं और स्पेशल करेक्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं कुछ इस तरह स्पेशल करेक्टर लिखूँ तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पेशल करेक्टर। इसके अलावा हमारे पास जो है नल है, नल आपको ये इंडिकेट करता है कि आपके पास जो आपका वेरिएबल है क्या वो एग्जिस्ट करता है, यानी या वो वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया क्या वो एम्प्टी है कि नहीं, ये आप हम इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फोन, लिख रहा हूँ और इसको मैं असाइन कर रहा हूँ नल असाइन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अभी हमारे पास जो है नंबर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे नंबर जो नल है मैंने वो असाइन कर दिया, जो कि वो एम्प्टी है, ठीक है। योर फोन नंबर इज, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फोन, इसको मैं कर दिया टर्मिनेटर सेव। और यहाँ पे मैं जो ब्रेक लाइन है इसको कॉपी कर रहे यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए योर फोन इज इक्वल टू नल, मीन यहाँ ये एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी के लिए नल वैल्यू के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये क्लास था यहाँ तक, और ये था डेटा टाइप के बारे में। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स है, इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, लॉजिकल और बोलियन है, और स्ट्रिंग है, और हमारे पास नल है। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह कंटेंट आपको टाइम पे मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।